हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बेडिजन फूड्स में। आज हम बनाने जा रहे हैं हिमाचल की प्रसिद्ध डिश जिसका नाम है मानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसको बनाने की सामग्री के साथ। तो सबसे पहले हमें चाहिए बेसन, ऑयल, मस्टर्ड, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, अजवाइन, नमक और सौंफ, इमली जो कि हमने पानी में भिगो के रखी है, और पकौड़ियाँ, और ये ऑप्शन है, चाहे तो आप चने, काले चने भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमने एक खुला बर्तन ले लिया जैसे कि कढ़ाई, इसमें अब हमने तेल डाल देना है, सरसों का तेल, और इसको गर्म होने देना है अच्छे से। तो चलिए अब हमारा तेल गर्म हो गया, हमने इसको धीमी आंच पे कर देना है और इसमें 3 चम्मच बेसन के डालने हैं। धीमी आंच पे ही इसको भूनना है। कुछ लोग इसको पीला खाना ही पसंद करते हैं और कुछ इसको ब्लैक कलर में, तो हम इसके लिए आमचूर डाल सकते हैं, तो हम इसे ब्लैक ही बनाएंगे। तो 1.5 चम्मच मैंने आमचूर का डाल दिया और इसको अच्छे से बेसन के साथ भून लिया। आप चाहे तो आमचूर ना भी डालें। इसको थोड़ा ब्राउन होने तक हमने इसको पकाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन अपना कलर चेंज हो रहा है बेसन का, तो अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। सौंफ का 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, अजवाइन थोड़ी सी, लाल मिर्च स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, अब इसको अच्छे से भून लेना है। ये सारे डार्क ब्राउन हो जाएंगे तब तक भूनते रहना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। धीमी आंच पे ही इसको भी पकाना है, नहीं तो ये बिल्कुल काला और कड़वा हो जाएगा। अब इसमें थोड़ी हल्दी डाल देनी है। अब इसमें हमने पानी डाल देना है। अब इसको अच्छी तरह से पकाना है। दो बाउल पानी के डाल के इसको अच्छे से उबाला आने तक बना पकाना है। और कड़छी से हिलाते रहना, नहीं तो इसमें गुठलियां जम जाएंगी। अब ये उबाला आ गया है, अब हम इसमें इमली का पानी डाल देंगे और इसको 10 से 15 मिनट फिर से उबाला देंगे।
तो आप देख सकते हैं हमारा मानी बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे। आप चाहे तो काले चने भी डाल सकते हैं, पर हमने पकौड़ियाँ डालनी है और इसको बंद कर देना है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए, हमारी डिश बनके तैयार हो गई है। तो ये आप वैसे तो किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। हमने माँ के साथ इसको परोसा है और चावल के साथ, और सबसे ज़्यादा टेस्टी माँ की दाल के साथ ही लगती है। वैसे आप किसी भी दाल के साथ और चावल के साथ खा सकते हैं। ऐसी और भी रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।